मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरी यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारणं। जय पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। आइए आज हम जानते हैं गुरु कृपा क्या वस्तु है, किस प्रकार से गुरु का कृपा प्राप्त होता है उसके बारे में श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास जीव आत्मस्वरूप चिदात्म स्वरूप होने के बावजूद भी अपने नित्य स्वरूप को अर्थात भगवान के नित्य दासता को और अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण अनादिकाल से इस घोर संसार सागर में पड़ा हुआ इस शरीर को मैं और शरीर संबंधी वस्तुओं में मेरा भाव रख करके हजारों जोनियों में जन्म लेकर के कभी कीड़े कभी मकोड़े कभी वृक्ष कभी स्थलचर कभी जलचर कभी पशु के रूप में जन्म लेकर के अनादिकाल से ये संसार दुख भोग कर रहा है। जीव नित्य कृष्णदास यही भूली गेलो। जब जीव भगवान के नित्य दासता को भूल जाता है तो भगवान के बहिरंगा माया उसको अपने गोद में ले लेती है और उस बहिरंगा माया के गोद में जो आता है उसको अनंत प्रकार के कष्ट दुख भोगना पड़ता है। परंतु साधु शास्त्र और ग्रीक गुरु की कृपा से अगर वो कृष्णोन्मुख होता है तो वो अपने स्वरूप को अपने संबंध को जान करके भगवान के सेवा में अपने आप को लगा करके अपना उद्धार का मार्ग बना लेता है। साधारणतः जीव अपनी देहेंद्रियों के द्वारा भगवत तत्व को या भगवत कृपा को प्राप्त करने का समर्थ नहीं रखता है, लेकिन गुरुदेव शिक्षा और दीक्षा दे करके उसको उस चर्म चक्षु को ढक देते हैं और उसके आध्यात्मिक चक्षुओं को उन्मिलित कर देते हैं। फलस्वरूप साधक के जो अन्य इंद्रियों की वृत्ति है वो संसार के सुख के वृत्ति से हट करके भगवत भजन करने के योग्य बन जाता है, यानी अप्रकृत हो जाता है वो केवल गुरु के कृपा से। अर्थात साधक का जो प्राकृत देह इंद्रिय मन आदि श्री कृष्ण भजन करने के योग्य तो नहीं होता है, लेकिन गुरुदेव अहितु की कृपा करके जीव को दीक्षा मंत्र दे करके, किस प्रकार का दीक्षा, जब दीक्षा होता है उसी समय बोलते दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले गुरु तारे करे आत्मसम। जब शिष्य इस प्रकार प्रार्थना करके क्या कि त्रयस्वभ हो जगन्नाथ गुरो संसार बन्हिना दग्धमाम कालदष्टम च त्वामहम शरणम गत, के हे भगवान के करुणाघन विग्रह श्री गुरुदेव
मैं अनंत काल से इस संसार अग्नि में दग्ध हो रहा हूँ, इस संसार रूपी काल में ग्रस्त हो रहा हूँ, कृपा करके आप मेरी रक्षा करें। हे गुरुदेव, मैं आपका शरणागत हूँ। तो ये कह करके शिष्य जब देह मन प्राण से गुरुदेव के शरण में आता है, तब गुरुदेव अपने करुणा मिश्रित भगवत तत्वामृत शक्ति के स्पर्श से, जैसे स्पर्श मणि के स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता है, और बल्कि अपनी भगवत भजनमय भक्ति शक्ति के द्वारा शिष्य के तन मन और प्राण में भक्ति संचारित करके उसके देह इंद्रिय मन को अपराकृत बना देते हैं, अर्थात भगवान के सेवा के योग्य बना देते हैं। तो इस प्रकार साधक जब भगवत भजन देह मन प्राण इंद्रियादि द्वारा भगवान का भजन करता है, तो वो भगवान के कृपा को अनुभव करता है। बोलते इसी गुरु कृपा शिष्य के देहादि को भगवत पाद पद्मों में भजन के योग्य बना करके, भगवत पाद पद्मों में समर्पित करके, भगवान के साथ जीव का जो विशिष्ट संबंध है उसको स्थापित करते हैं, और भगवान के दर्शन के योग्य बनाते हैं। किस प्रकार, जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि चक्षुदान दिलोजेई जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिल। बोलते हैं जिन्होंने मेरे इस चर्म चक्षु को मुक्त करके भगवत दर्शन के योग्य बनाते हैं, किस प्रकार से, बोलते प्रेमांजन स्वरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बोलते भक्ति के जो प्रेम का अंजन है वो गुरुदेव अपने शिष्य की आंखों में लगा देते हैं, तभी उस प्रेमांजन भक्ति विलोचित दिव्य ज्ञान के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करता है शिष्य साधक। कहते हैं जिन गुरुदेव के प्रसन्न होने पर, जिनकी कृपा शक्ति हृदय में आ जाने पर, बोलते हैं साक्षात कृष्ण के चरण अनुरागी होकर के उसे अनुराग में स्थित होकर के सेवामृत का, सेवा रूप अमृत का पान करने के लिए शिष्य को योग्य बना देते हैं, और बोलते हैं कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण के द्वारा दिव्य ज्ञान उत्पन्न करा के उसको कृष्ण प्रेम प्रदाता, कृष्ण ज्ञान दाता श्री गुरुदेव ही जन्म जन्म में कल्प कल्पांतर में युग युगांतर में, बोलते हैं शिष्य के साथ नित्य संबंध में संबंधित होते हैं, और अनंत काल तक शिष्य गुरु का दास होता है और गुरु उनका स्वामी होता है। इसलिए इसी से श्री गुरु के साथ शिष्य का जो सेव्य और सेवक भाव संबंध है, और उस संबंध को नित्यता बनाने के लिए परिपूर्ण रूप से गुरु के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा। कहते हैं जिस प्रकार से इस संसार के पिता पुत्र का संबंध होता है, इस जन्म में कोई किसी का पुत्र बनता है तो दूसरे जन्म में कोई किसी का पिता बनता है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध ऐसा नहीं है, वो नित्य जन्म जन्मांतर तक रहता है।
एक ही गुरु जन जन्मांतर में यथा समय शिष्य के निकट प्रकट होकर के उसे भजनामृत रसमाधुरी को आस्वादन कराते हैं, उसको प्रेमदान देकर के भगवान के नित्य लीला राज्य में साक्षात अभिष्ट सेवा प्रदान करते हैं। यही गुरु गुरु कृपा है। इसलिए गुरु कृपा की तुलना संसार के किसी भी वस्तु के साथ कभी नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं ना, गुरु कृपा ही केवलम। हरे कृष्णा।